जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए। एक ही पैर पर ठहरेंगे तो थक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही पर अपनी राह पर चलते रहिए, क्योंकि चलना ही जिंदगी है। नमस्कार, यह है संसद टीवी, स्वागत है आपका हेलो इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। सबसे पहले आपको बताएंगे हेलो इंडिया में आज क्या है खास, हेलो इंडिया हाइलाइट्स के जरिए। हेलो इंडिया में पीएम के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले में होंगे शामिल। साथ ही सीजीआई द्वारा मुफ्त की घोषणा मामला में नई पीठ को सौंपने सहित देश और राज्यों की बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। इसके अलावा यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर रूसी हमले, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा छात्रों के लोन माफ करने की घोषणा सहित दुनिया भर की सभी प्रमुख सुर्खियों पर रहेगी नजर। और साथ ही पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन का इतिहास। तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हेलो इंडिया के साथ। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर एंथनी रोटा से मुलाकात की और अध्यक्ष के रूप में उनके चुनाव पर बधाई दी। लोकसभा अध्यक्ष ने और सामाजिक आर्थिक विकास, लोगों के संपर्क पर, भारत और कनाडा के बीच साझा दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए व्यापार, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और संसद की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में रणनीति पर विचार साझा किया। लोकसभा अध्यक्ष 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान अ पीपल्स पार्लियामेंट इनोवेशन थ्रू एक्सेसिबिलिटी पर भारत के दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सफल संचालन का उल्लेख करते हुए जोर देकर कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों जैसी तकनीकी तैनाती ने देश में संपन्न लोकतंत्र की भागीदारी और प्रकृति को और बेहतर बनाने में मदद की है। वर्कशॉप के अंदर सभी प्रतिनिधिगण, सभी को नमस्ते। संसदीय लोकतंत्र में जनता की आशाओं अपेक्षाओं को संसद द्वारा अभिव्यक्ति किया जाता है। जनता की भावनाएं संसद के माध्यम से प्रकट होती है। सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था के रूप में संसद का दायित्व है कि वह जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। प्रधानमंत्री आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। ग्रैंड फिनाले में 75 केंद्रों पर 15,000 से अधिक छात्र हिस्सा लेंगे। इस फिनाले में 2900 से अधिक स्कूलों और 2200 उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्र 53 केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा सामने रखी गई 476 समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन ने युवाओं के बीच उत्पाद संबंधी नवाचार, समस्या समाधान और लीक से हटकर सोचने की संस्कृति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम उनकी सरकार ने पिछले 7 सालों में किया है, उतना काम पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने ये बात चंडीगढ़ में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने के दौरान कही। ट्रांसजेंडरों को अब आयुष्मान भारत के तहत समग्र स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को एमओयू की सराहना करते हुए इसे देश में अपनी तरह का पहला करार बताया और कहा कि ये ट्रांसजेंडर वर्ग को अधिकार और सम्मान पूर्ण स्थान देगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि आयुष्मान कार्ड में अब राज्यों की योजनाओं के नाम भी शामिल किए जाएंगे। इसे राज्य के लोगों और राज्य विशिष्ट स्वास्थ्य योजनाओं के नामों के साथ साथ केंद्र की प्रमुख स्वास्थ्य योजना के साथ सह ब्रांड किया जाएगा। दिल्ली, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा को छोड़कर अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने कार्डों की सह ब्रांडिंग के लिए सहमति व्यक्त की है, जिसका नाम बदलकर आयुष्मान कार्ड कर दिया जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को नई दिल्ली में ऑनलाइन मोबाइल गेम्स की श्रृंखला आजादी क्वेस्ट का शुभारंभ किया। यह श्रृंखला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और प्रमुख उपलब्धियों पर आधारित है। आजादी क्वेस्ट मजेदार गेम और सीखने के लिए सभी उम्र के लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर प्रकाशन विभाग और सोशल गेम डेवलपर जिंगा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये पहला खिलौने और खेलों के माध्यम से लोगों को जुड़ने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित है। अनुराग ठाकुर ने लोगों से आजादी क्वेस्ट ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जागरूकता फैलाने में प्रभावी उपकरण साबित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताशकंद में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्विटर पर चित्र साझा करते हुए उन्होंने कहा कि सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री जी ने बड़ी चुनौतीपूर्ण समय में बड़ी दृढ़ता के साथ देश का नेतृत्व किया। भारतीय इतिहास में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। इससे पहले रक्षा मंत्री ने SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद, यूक्रेन और अफगानिस्तान समेत विभिन्न मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। यूक्रेन और अफगानिस्तान से जुड़े मुद्दों का बातचीत के जरिए समाधान पर उन्होंने जोर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बुधवार को घोषणा की कि चुनाव होने पर वो जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऐसा कहकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन खत्म करने का संकेत दिया है। PAGD में 5 दल नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है। इसका गठन अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के विरोध विशेष दर्जे की बहाली के उद्देश्य से किया गया था, जो कि 4 अगस्त 2019 को अस्तित्व में आया था। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय समिति ने नागरिकों की डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दे पर ट्विटर इंडिया को समन जारी करते हुए 26 अगस्त को दोपहर 4 बजे समिति के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। कमेटी के अध्यक्ष शशि थरूर की अध्यक्षता में समिति ने यह निर्णय लिया। आपको बता दें कि IRCTC के 10 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं के डेटा के मामले पिछले काफी दिनों से संसद की स्थायी समिति में ये मामला चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक प्रमुख दावेदार के रूप में देखे जा रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि आखिरी क्षण तक प्रयास किया जाएगा कि राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी की कमांड संभालें। उन्होंने यहां राजस्थान सरकार के इन्वेस्टर समिट से जुड़े कार्यक्रम में से इतर संवाददाताओं से कहा कि हम आखिरी क्षण तक राहुल गांधी जी को कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने के लिए मनाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस कार्य समिति की 28 अगस्त को बैठक होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश NV रमण ने राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त की घोषणाएं किए जाने की पड़ताल के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने के स्थान पर इस मामले को नई पीठ को सौंप दिया है। प्रधान न्यायाधीश ने इस मसले पर सर्वदलीय बैठक का न बुलाए जाने पर टिप्पणी की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की कार्यकारी समिति के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इसके लिए चुनाव 2 सितंबर को होंगे। तो ये थी राष्ट्रीय खबरें और आइए अब नजर डाल लेते हैं राज्यवार सुर्खियों पर। राष्ट्रपति ने कर्नाटक और झारखंड के 2 कानूनों को अपनी मंजूरी दे दी, जिसके तहत आपराधिक मामलों में साक्ष्य की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति होगी और अदालत के लिए फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने उनकी अनुपस्थिति में उन्हें दंड भी दिया जाएगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। BJP के वॉकआउट के बीच महागठबंधन ने ध्वनिमत से विश्वास प्रस्ताव पारित किया। ये विश्वास मत सदन में पहले ध्वनिमत से फिर वोटिंग की प्रक्रिया से पास हुआ। विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 160 वोट मिले। BJP के वॉकआउट के कारण विश्वास मत के विरोध में 1 वोट भी नहीं पड़ा। और इसी बीच विजय कुमार सिन्हा को BJP विधानमंडल दल के नेता के रूप में चुन लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे शिवसेना विधायकों और कुछ विपक्षी विधायकों ने मुंबई में विधान भवन की सीढ़ियों पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार पर तंज कसने के लिए गाजर लेकर आए थे। शिंदे गुट के विधायकों ने राकपा विधायकों से गाजर छीनने की कोशिश की, जिससे ये हालात पैदा हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पार्टी के सभी विधायकों की बैठक उन्होंने बुलाई है। ये बैठक सीएम आवास पर होगी। इस बैठक में आप नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई और विधायकों के कथित तौर पर दिल्ली सरकार को बेदखल करने के प्रयास पर चर्चा होगी। मिजोरम और असम ने अंतर्राज्यीय सीमा पर तैनात दोनों राज्यों के पुलिस बलों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने पर सहमति जताई है। मिजोरम के वेरेंगटे शहर की सीमा मुद्दे पर चर्चा के लिए 5 सीमावर्ती जिलों के उपायुक्तों की बैठक में ये सहमति बनी। इन जिलों में मिजोरम के कोलसिब और मामित और असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिले शामिल हैं। मुंबई के आरे कॉलोनी में पेड़ काटने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर आरे में अंडरटेकिंग का उल्लंघन कर पेड़ों की कटाई हुई तो कोर्ट इसका सख्त संज्ञान लेगी। इस बीच मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने फिर भरोसा दिलाया है कि वहां पेड़ों की कटाई नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस हलफनामे को रिकॉर्ड कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 2 दिनों के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में 30 अगस्त को सुनवाई होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आरे में विकास कार्य रोकने के आदेश देने से इनकार कर दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अन्नाद्रमुक के संयुक्त समन्वयक के पलानीस्वामी की अपील पर सुनवाई के लिए एकल न्यायाधीश के आदेशों को चुनौती दी है। इसमें 11 जुलाई 2022 को हुई पार्टी की आम परिषद की बैठक को अमान्य करार देने और 23 जून 2022 की यथास्थिति बनाए रखने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई। अन्नाद्रमुक में एकल नेतृत्व की बढ़ती मांग के बीच आम परिषद ने 11 जुलाई को हुई अपनी बैठक में ई पलानीस्वामी को पार्टी के अंतरिम महासचिव के रूप में चुना, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी ओ पनीरसेल्वम को अन्नाद्रमुक से निष्कासित कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में अवैध खनन की चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए राज्य में कई स्थानों पर छापेमारी की। रांची में एक घर से छापेमारी में 2 AK-47 राइफल और 60 कारतूस बरामद किए गए। झारखंड पुलिस ने इस मामले में अपने ही 2 कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 97 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि परिवहन के क्षेत्र में दिल्ली को पूरी दुनिया का मॉडल बनाना है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने शुक्रवार 26 अगस्त को एक दिन का विधानसभा का सत्र बुलाया है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी पत्र में ये जानकारी दी गई। कांग्रेस की शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक रविवार को बुलाई गई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित कार्यक्रम को मंजूरी दी जाएगी। श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले में वाराणसी कोर्ट ने 22 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में बादल फटने की एक और घटना हुई, जिसके बाद से चिरबतिया गांव में नेलचामी नदी में बाढ़ आ गई। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि मूलगढ़ 30 मार्ग पर कुछ पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नीलचामी नदी प्रचंड उफान के साथ बह रही है और तटवर्ती इलाकों के लोगों को अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है। इससे पहले 19 अगस्त को बादल फटने से सबसे ज्यादा मौत टिहरी जिले में हुई थी। राजस्थान के बूंदी जिले में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। इस बीच कोटा जिले में कुछ लोग अब भी फंसे हुए हैं, जबकि झालावाड़ जिले में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश के दौर पर फिलहाल विराम लगाने की उम्मीद जताई है। लगातार भारी बारिश, नदियों में जलस्तर बढ़ने और बांधों के गेट खोले जाने के कारण राज्य के कोटा संभाग के कई इलाके 2 दिन तक पानी में डूबे रहे। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। राज्य के नर्मदापुरम, विदिशा और गुना जिले सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित हैं। बेतवा और सहायक नदियों ने कई गांवों को डुबो दिया है। शहर के कई घर डूब गए हैं।
राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू कर लोगों का जीवन जो है वो फिर से पटरी पर लौटाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता और पशुओं की जिंदगी को बचाना है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में चक्रवातीय क्षेत्र बनने से भारी बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में बुधवार रात 11 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई। भूकंप का केंद्र जम्मू क्षेत्र के कटरा इलाके से 62 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 5 किलोमीटर की गहराई में बना। इसकी जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी। फिलहाल इससे किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो ये थी राष्ट्रीय और राज्यवार सुर्खियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बताएंगे आपको अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। न्यू इंडिया डिबेट में आज बात करेंगे भारत के दवा बाजार की स्थिति। रिसर्च, इनोवेशन, डिस्कवरी, डेवलपमेंट, ये चार ऐसे पहिए हैं जो भारत के फार्मास्यूटिकल्स को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम बात करते हैं फार्मा 4.0, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा मॉनिटरिंग, डेटा एनालिटिक्स, उसके साथ साथ रोबोटिक्स। बायो इनक्यूबेशन सेंटर्स बेसिकली एक फैसिलिटी है जो स्टार्टअप्स है उनका जो बिजनेस करने का पोटेंशियल है उसको ये गाइड करता है। आयुर्वेदा का सारे बेसिक हमारे पास है, सारे लिटरेचर अवेलेबल है, उसमें ऐसे भी बहुत सारे मोटे का पता चल जाएगा जिसको दुनिया को पता है नहीं। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो ऑनलाइन फार्मेसी से बढ़ सकता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं संसद टीवी और आइए अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। भारत और जापान के बीच 2+2 बातचीत अगले महीने टोक्यो में होगी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने जापानी समकक्षों के साथ 2+2 संवाद में शामिल होंगे। इस बातचीत के दौरान भारत प्रशांत महासागर सहित कई प्रमुख मुद्दों को शामिल करने की उम्मीद है। आपको बता दें कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस सहित कुछ ही देशों के साथ 2+2 प्रारूप की बातचीत का हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी छात्रों को राहत दी है और घोषणा की है कि जिन छात्रों की सालाना आय $1,25,000 से कम है उनके लोन को माफ किया जाएगा। आपको बता दें कि छात्रों के लोन में कटौती करना बाइडेन प्रशासन का एक बड़ा चुनावी वादा था। जो बाइडेन ने ट्वीट करके कहा कि मैंने चुनावों में जो वादा किया था मैं उसको पूरा करने जा रहा हूं। हम जनवरी 2023 में मध्यम वर्ग को थोड़ी राहत देने के लिए अमेरिकी छात्रों के लोन को माफ करेंगे या उसमें कुछ कटौती करने जा रहे हैं। जो बाइडेन प्रशासन ने साल 2015 के परमाणु समझौते के अनुपालन को फिर से शुरू करने के लिए ईरान के नए ऑफर का जवाब दिया है। हालांकि दोनों ही पक्ष अभी तक इस समझौते को फिर से एक्टिव करने के लिए किसी एक फैसले पर नहीं टिक पाए। अमेरिका की विदेश विभाग की प्रवक्ता नेट प्राइस ने यह पुष्टि की है कि अमेरिकी सरकार ने यूरोपीय प्रस्ताव पर ईरान की टिप्पणियों की समीक्षा पूरी कर ली है। अमेरिकी सेना ने घोषणा की है कि उसने पूर्वी सीरिया में हवाई हमले करके ईरान के अर्धसैनिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड समर्थित लड़ाकों के ठिकाने तबाह कर दिए। सेना के मुताबिक सीरिया में ईरान का समर्थन प्राप्त ये लोग अमेरिकी ठिकानों पर हमलों के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि सीरिया की सरकारी मीडिया और ईरान ने डीर एज़ोर को निशाना बनाने वाले हमलों पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 24 अगस्त को UNSC को ये बताया कि रूस ने उनके स्वतंत्रता दिवस पर निप्रो पेट्रोवस्क इलाके में रॉकेट से हमला किया जिसमें कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए। ज़ेलेंस्की ने कई दिन पहले इस बात को लेकर आशंका जताई थी रूस इस हफ्ते किसी बर्बर कार्रवाई की कोशिश कर सकता है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक को करप्शन के मामले में 12 साल की कैद मिली जिसके बाद उनके करीब
300 समर्थकों ने काले कपड़े पहनकर राष्ट्रीय महल के बाहर रैली की। उन्होंने नजीब को माफी देने की मांग को लेकर राजा के लिए ऑनलाइन याचिका भी शुरू की। इटली में दुनिया का पहला ऐसा मामला सामने आया है जिसने शोधकर्ताओं को चौंका दिया है। दरअसल इटली का एक नागरिक एक साथ ही मंकी पॉक्स, कोरोना और HIV पॉजिटिव पाया गया। वो हाल ही में स्पेन की 5 दिवसीय यात्रा से लौटा है। 36 वर्षीय व्यक्ति में स्पेन से लौटने के करीब 9 दिन के बाद बुखार, गले की खराश, सिर दर्द और कमर में सूजन की शिकायत पाई गई। लक्षण सामने आने के 3 दिन के बाद वो कोविड पॉजिटिव हो गया। इसके कुछ घंटे के बाद डॉक्टरों ने जांच में तीनों बीमारियों की पुष्टि की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की संख्या में पिछले एक हफ्ते में 15% की गिरावट आई है, जबकि नए संक्रमणों में 9% की गिरावट आई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पिछले हफ्ते 5.3 मिलियन नए मामले सामने आए, जबकि 14,000 से अधिक लोगों की मौतें हुई। WHO का कहना है कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र को छोड़कर दुनिया के हर एक क्षेत्र में नए संक्रमणों की संख्या में गिरावट आई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और IMF की टीम ने श्रीलंका के मौजूदा आर्थिक संकट का विश्लेषण किया। दोनों पक्षों के बीच एक बेल आउट पैकेज को अंतिम रूप देने और नकदी संकट वाले देश के लिए एक कर्मचारी स्तर के समझौते को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण बातचीत हुई। 3 महीने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये दूसरी यात्रा है। ब्रिटेन अपने नए स्केल अप वीजा के जरिए भारत सहित दुनिया भर से अधिक कुशल पेशेवरों को आकर्षित कर रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में Tier 2 वीजा श्रेणी के तहत दिए गए कुशल श्रमिक वीजा के लिए भारतीयों ने ब्रिटेन को लगातार शीर्ष राष्ट्रीयता के रूप में स्थान दिया। यूरोपीय प्राकृतिक गैस की कीमतों में 300 यूरो प्रति मेगावाट से ऊपर की उछाल देखी गई। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद मार्च में रिकॉर्ड बनाने के बाद ये उच्चतम स्तर है। तो ये थी खबरें और अब नजर डाल लेते हैं आज होने वाले अपडेट्स पर, यानी कि आज की गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4:30 बजे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गतिशक्ति संचार पोर्टल पर राइट ऑफ वे और 5G ROW आवेदन का शुभारंभ आज शाम 4 बजे संचार भवन में करेंगे। इसके साथ ही आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक होगी। बैठक में अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। खनिज और धातु क्षेत्र में संसाधन दक्षता और अर्थव्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आज शुरुआत दिल्ली में हो रही है, जो 25 से 27 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल यानी कि 26 अगस्त को सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपने आवास पर सभी आप विधायकों की बैठक लेंगे और मौजूदा राजनीतिक संकट पर चर्चा करेंगे। लोकसभा समिति की बैठक सुबह 11 बजे समिति कक्ष 2 संसद भवन NXC एक्सटेंशन ब्लॉक ए में होगी। एजेंडा है 17वीं लोकसभा के प्रथम सत्र से 8वें सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखे गए पत्रों की परीक्षा, समीक्षा और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की विकलांग व्यक्तियों की वार्षिक रिपोर्ट पर बातचीत होगी कि क्यों इसमें देरी की गई। और अब वक्त हो गया आपको ये बताने का कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में किन खास मायनों में है दर्ज। तो आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को, जानते हैं 25 अगस्त को क्या रहा है खास। 25 अगस्त वर्ष 1944 में फ्रांस के सैनिक 4 साल तक हिटलर की सेनाओं के कब्जे में रहने के बाद राजधानी पेरिस में पहुंचे। जनरल फिलिप लेक्लेयर के नेतृत्व में पेरिस में पहुंचे सैनिकों का पेरिस वासियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जर्मनी से लड़ने वाले फ्रांसीसी सैनिकों के साथ ही अमेरिकी व अन्य मित्र राष्ट्रों के सैनिकों का फ्रांस के नेता जनरल चार्ल्स डी गॉल ने स्वागत करते हुए कहा, पेरिस जिंदाबाद। फ्रांस तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वो अपने दुश्मन को उसकी जमीन पर पराजित नहीं कर देता। 24 अगस्त वर्ष 1989 में वॉयेजर 2 अंतरिक्षयान वरुण यानी नेपच्यून के कक्षा में पहुंचा था। इसे नासा ने फ्लोरिडा के कैप कैनावरल स्टेशन से लॉन्च किया था। इसके साथ ही वॉयेजर 2 वॉयेजर 1 के बाद सौरमंडल के आखिरी छोर तक पहुंचने वाला
दूसरा मानव निर्मित उपकरण बना। इस यान ने सफलतापूर्वक वरुण ग्रह और उसकी परिक्रमा कर रहे प्राकृतिक उपग्रहों की तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया था। वरुण सूर्य की परिक्रमा कर रहे ग्रहों में से केंद्र से सबसे दूरी पर है। यह पृथ्वी से भी 2 खरब मील से ज्यादा की दूरी पर है। वॉयेजर 2 नेपच्यून से पहले बृहस्पति, शनि और अरुण यानी यूरेनस ग्रह की तस्वीरें भेज चुका था। आपको जानकर हैरानी होगी कि वॉयेजर 2 को महज 5 सालों के लिए बनाया गया था, लेकिन यह आज तक वैज्ञानिकों के संपर्क में है और अपनी अंतहीन यात्रा पर चला जा रहा है। वॉयेजर 2 एकमात्र अंतरिक्षयान है जो सभी 4 विशाल गैस ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की यात्रा कर चुका है। और हेलो इंडिया को आप टीवी के अलावा भी सनसर टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही सनसर टीवी की जो आईडीज हैं, जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, कोर, ट्विटर, इंस्टा, इस पर भी उपलब्ध है। आप इससे फॉलो कर सकते हैं, अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको लेकर चलते हैं एस्टरडम में कुछ खूबसूरत नज़ारों को दिखाने के लिए, जहाँ पर प्राइड उत्सव मनाया गया, जिसके तहत वाटर स्पोर्ट्स और रैली निकाली गई। इस आयोजन में स्थानीय नागरिक नाचते गाते नजर आए। तो चलते चलते आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार, देखते